औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एवेल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। राइट, मींस कि स्टैक हमें जो डेटा स्ट्रक्चर है वो किस तरह से हेल्प करता है फॉर द एवेल्यूएशन ऑफ एनी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अगर हम स्टैक को इन्वॉल्व कर लेंगे तो हमारे लिए कदर आसान हो जाएगा एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करना एज कम्पेयर टू मैनुअल यू नो एवेल्यूएशन। ठीक है, तो चलें एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। ओके, द एल्गोरिदम फॉर डूइंग दिस थिंग इज हेयर ऑन दिस स्क्रीन। राइट, आई अगेन लेफ्ट इट टू यू, यू कैन रीड इट आउट एंड डायरेक्टली गो टूवर्ड्स द एग्जांपल्स। और इन एग्जांपल के अंदर ही हम इंशाल्लाह वो जो स्टेप्स पीछे लिखे हुए हैं एल्गोरिदम के बारे में वो सारे के सारे आपको एलैबोरेट कर दिए जाएंगे, तो आसान हो जाएगा आपके लिए उस एल्गोरिदम को समझना। ठीक है, ओके, जब एवेल्यूएशन करनी है यूजिंग द स्टैक तो फर्स्ट वी नीड एन एम्प्टी स्टैक, नंबर वन। नंबर टू, द एक्सप्रेशन विल बी एवेल्यूएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड वी शुड हैव द वैलिड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपके पास होगी वो वैलिड होनी चाहिए। अब करना क्या है, जैसे ही आपने स्कैन शुरू किया अगर तो ऑपरेंड आया है तो ऑपरेंड को आपने स्टैक में पुश कर देना है। ओके, इफ यू इनकाउंटर्ड एंड ऑपरेंड पुश इट ऑन टू द स्टैक। राइट, मूव फॉरवर्ड अगेन, द थ्री इज एन ऑपरेंड, वी पुश इट ऑन टू द स्टैक। राइट, एज सून एज वी इनकाउंटर्ड एन ऑपरेटर, ठीक है, जैसे यहां पर प्लस आएगा तो क्या करना है, जैसे ही ऑपरेटर आएगा आपने उस ऑपरेटर के लिहाज से दैट नंबर ऑफ ऑपरेंड्स जो हैं वो स्टैक से पॉप कर लेने हैं और उन पर वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है जो वो ऑपरेटर कर सकता है। लाइक इन दिस केस द प्लस इज गोइंग टू परफॉर्म द एडिशन, सो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा पॉइंटर प्लस के ऊपर जाएगा हमने क्या करना है, जैसे ही ऑपरेटर प्लस पर आएगा आपने थ्री और फाइव को दोनों को क्या करना है, पॉप कर लेना है। यानी दो ऑपरेंड्स उठाएंगे ना, क्योंकि प्लस बाइनरी ऑपरेटर है तो दोनों को उठा लेंगे, थ्री को भी उठा लेंगे और फाइव को भी उठा लेंगे और उनको ऐड कर देना है। जो भी रिजल्ट आएगा उस ऑपरेटर के लिहाज से उसको दोबारा पुश कर देना है स्टैक के अंदर फॉर सबसीक्वेंट ऑपरेशन, कैश कैडिंग ऑपरेशन। यानी अगले अगर ऑपरेशन और भी हैं तो उनके लिए उसने ऑपरेंड बनना, तो दोबारा उसको स्टैक में आपने पुश करना है। किस तरह से, अब यहां पर देखें, जैसे हम प्लस आएगा हमने क्या किया, फाइव और थ्री दोनों को क्या कर लिया है, पॉप। जैसे पॉप किया एक नया रिजल्ट बना, दैट इज एट। एट को क्या किया है, दैट इज एन इंटरमीडिएट रिजल्ट, इसको हमने पुश कर दिया। ठीक है, अब हमारे पॉइंटर जो है, जो टोकन को रीड कर रहा है, वो जैसे ही एंड पे पहुंचेगा एक्सप्रेशन एंड हो गई। जैसे एक्सप्रेशन एंड हो स्टैक के अंदर जो कुछ पड़ा है उसको आपने जो कुछ भी पड़ा है उठाएं और उठाकर क्या करें, बाहर रखते हैं। दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ योर एक्सप्रेशन। सो 5 3 प्लस रिजल्ट इज 8, यू कैन चेक इट मैनुअली, 5 प्लस 3 इज डेफिनेटली 8, सो वी हैव अ रिजल्ट 8। सो सी हाउ इजियर इट बिकम टू परफॉर्म द एवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 352 स्टैरिक प्लस। ओके, 3 पुश्ड ऑन टू द स्टैक, ठीक है, 5 इट विल ऑल्सो पुश्ड ऑन टू द टॉप ऑफ द स्टैक, 2 पुश्ड ऑन टू द टॉप ऑफ द स्टैक। नाउ द नेक्स्ट इज स्टैरिक। स्टैरिक इज अ बाइनरी ऑपरेटर विच रिक्वायर्स टू ऑपरेंड्स। व्हाट वी विल डू, वी विल पॉप टू ऑपरेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। सो पहले कौन पॉप होगा जी, 2, फिर 5, बट कीप देम इन ऑर्डर। सारी बात है, जो पहले आया है वो नीचे पड़ा होगा, तो 5 इंटू 2, सो 5 इंटू 2 एन इंटरमीडिएट ऑपरेंड रिजल्ट इज परफॉर्म्ड। राइट, पुश दैट रिजल्ट बैक टू द टॉप ऑफ द स्टैक। ओके, उस रिजल्ट को आपने दोबारा टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश कर देना है, जो कि हमने कर दिया। राइट, अब जैसे ही आपका पॉइंटर आगे बढ़ेगा तो ये क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा आपका प्लस। तो प्लस भी बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसको कितने ऑपरेंड चाहिए होंगे, इसको दो ऑपरेंड चाहिए, दो ऑपरेंड फिर स्टैक से आप पॉप करें। तो कौन कौन सा आएगा, 10 और 3, तो कीप देम इन ऑर्डर, 10 बाद में आया है, तो 3 प्लस 10, सो 3 प्लस 1 इज 13,
whatever the result is, just push back it onto the stack. तो जो result produce हुआ, दोबारा हमने उसको क्या किया है? Stack पे push कर दिया है. अब expression हमारी खत्म होगी, end of the expression आ गया. जैसे ही end of the expression आ गया है, हमारा अगला काम क्या होगा? Stack में जो कुछ पड़ा है उसको क्या करें? Pop कर लें. You will have the result. तो output आ गई. ठीक है? Let's see the next example. 352 plus static. So 3, 5 and 2, they all will be pushed onto the stack, right? So 3, 5, 2 are pushed. अब आगे क्या आएगा जी? Plus आया. अब plus के against आपने क्या करना है? दो operands को pop कराना है. तो 5 और 2 pop होंगे. In order बात कर रहा हूँ. So 5 plus 2 is 7. तो 7 जो intermediate result आया, उसको दोबारा आपने क्या कर दिया? आपने उसे stack के ऊपर push कर देना है. जब इसको आपने push कर दिया, तो आपका अगला जो पॉइंटर मूव करेगा, पॉइंटर अगले टोकन पे जाएगा, वो टोकन कौन सा है आपका? दैट इज एन ऑपरेटर विच इज स्टैरिक. तो स्टैरिक जैसे ही आएगा, इस केस पे भी आपने क्या करना आना है? आपने दो ऑपरेंड्स को उठा लेना है. सो 3 × 7 विच इज 21. तो 21 का जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ है, उसको आप टॉप ऑफ द स्टैक पे फेंक दीजिए. तो 21 आ गया. अब एंड ऑफ द एक्सप्रेशन इज देयर. जैसे ही एंड ऑफ द एक्सप्रेशन आया है, स्टैक के अंदर जो कुछ पड़ा उसको पॉप कर लें. यू विल एंड अप विद द फाइनल रिजल्ट, जो कि बिल्कुल सही होगा. ओके, नेक्स्ट 2, 9 - 4 + ठीक है जी. अब इसमें जो ऑपरेटर है सेम प्रायोरिटी की है, देखते हैं क्या होता है. 2 इज पुश्ड, 9 आल्सो पुश्ड. अब रिमेंबर, 2 पहले पुश हुआ है, 9 बाद में हुआ है. अब आगे माइनस आएगा, तो आपने जब पॉप करना है तो ये गलती नहीं कर देनी कि 9 - 2 कर देना है. नहीं, दैट इज 2 - 9, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, स्टैक यूज कर रहे हैं हम. तो 2, 9, सो 2 - 9 होगा. ओके, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया -7. अगेन -7 माइनस साइन है, और जो साइन है वो जाहरी बात है नंबर के साथ है, विच इज इंडिकेटिंग अ नेगेटिव नंबर. और नेगेटिव नंबर मेमोरी के अंदर जाके स्टोर होता है, 2's complement, 1's complement. तो इसको एज एन ऑपरेटर नहीं डील करना, इसको आपने नेगेटिव नंबर कंसीडर करना है. ठीक है, तो -7 इज ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक नाउ. सो नेक्स्ट हमारा अब रिजल्ट क्या बन जाएगा? हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी उसके अकॉर्डिंगली, अब आगे ऑपरेंड आ रहा है 4. 4 को क्या करेंगे हम? 4 विल आल्सो बी पुश्ड ऑन टू द स्टैक, क्योंकि ऑपरेंड है ना. ओके, फिर आगे हमारे पास क्या आएगा? प्लस. तो 4 और -7, इन दोनों को क्या करेंगे हम? ऐड करेंगे. सो -7 + 4 इज -3, और इसको हमने पुश कर दिया यहां पर. सिंस वी आर ऑन द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन, सो हमारे पास जो रिजल्ट होगा उस स्टैक से निकल के आ जाएगा, दैट इज -3, राइट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 4, 3, 5 स्टैटिक -2 + सो मेनी ऑपरेटर्स आर देयर. सो टू कीप द थिंग सिंपल, 4, 3, 5 दे ऑल पुश्ड ऑन टू द स्टैक. ठीक है, दे ऑल पुश्ड ऑन टू द स्टैक. देन स्टैटिक, स्टैटिक के अगेंस्ट क्या होगा जी? स्टैटिक जैसे आएगा, टॉप ऑफ द स्टैक से दो ऑपरेंड आप उठाएंगे. कौन से उठेंगे? 3 and 5. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 15. और उस 15 को आपने क्या किया है? दोबारा से पुश कर दिया. नेक्स्ट है माइनस. अब माइनस आएगा तो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट थिंग, पहले 4 है फिर 15 है. सो 4 - 15 - 11 विल बी प्रोड्यूस, दैट इज अ नेगेटिव नंबर विच विल बी स्टोर्ड इन वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू द आर्किटेक्चर. तो वो रिजल्ट आपका यहां पे चला जाएगा. वी विल नॉट बी बॉदरिंग अबाउट दिस नेगेटिव साइन. This is not an operator. This is just indicating that number is negative. Okay? So -11 is pushed onto the stack. Next operand 2, it will be pushed. Okay? Then the plus is here. Against this plus operator, हमने क्या करना है? हम यहाँ से again दो operands को उठाएंगे और उनके दरमियान में addition perform करवा देंगे. तो पहले -11 है, फिर 2 है. So -11 + 2, which is -9. So -9 will also be pushed onto the stack. So -1, 9 आ गया यहाँ पर. Now the end of the expression.
तो स्टैक में जो कुछ पड़ा है वो निकाल लीजिए, दैट विल बी योर फाइनल रिजल्ट. ओके, सो यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व दैट हाउ इजियर इट बिकम टू अवेलुएट एक्सप्रेशन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर. उसने हमारी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हेल्प कर दी है और आसानी से एवेलुएट भी कर दिया एक्सप्रेशन को. फिर हमें एक्सप्रेशन को कितनी बार स्कैन पढ़ना पड़ रहा है, इधर से लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ओनली वंस, एक दफ़ा कर रहे हैं ना स्कैन. जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको हम पुश करते चले जा रहे हैं, ठीक है. सो दैट मीन्स कि पोस्ट फिक्स की वैल्यूएशन यूजिंग स्टैक आप करेंगे तो इट विल आल्सो टेक बिग ऑफ एन टाइम, ठीक है. तो लीनियर टाइम के अंदर हमारा ये काम हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन परफॉर्म वैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन प्रोग्रामेटिकली एंड थैंक्स टू द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ता, बार बार स्कैनिंग करनी पड़ती, कम्प्लेक्स भी लॉजिक हो जाती या कोई और लॉजिक भी बनाते, जो भी आप बनाते वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स ही बननी थी, ठीक है, और उसमें आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी ख़राब हो जानी थी. राइट, होपफुली चीज़ें यहाँ तक काफ़ी क्लियर हो गई होंगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.